रुख कर लेते हैं पप्पू यादव का, जो पूर्णिया से चुनाव मैदान में हैं और आज पूर्णिया में भी वोटिंग है, सुनते हैं उनको। डीएसपी का था उतरो, तो एक लगातार यहाँ आकर के एमपी एमएलए के द्वारा आतंक पैदा करना, 100-100 एमएलए बैठ जाने, नीतीश बाबू जो उसको हम बहुत भाई की तरह मानते हैं, उसका रोड शो, सभा की सभा, और उसके बाद आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ आ गए अपनी सबसे पहली सभा करने, कुछ लोग तो यहाँ पर सारे क्रिमिनल्स माफिया सबको मेरे खिलाफ़ बुला लिए और सबको इतनी गाली गलौज दिलवाए, माँ बहन से लेके सबको, और यह कहना कि घर में ढुक के मार दो, मारेंगे ज़रूर। तो इसके बीच में इतना मेंटल टॉर्चर हुआ, तो ये तो जनता की देन है और आप लोगों की ब्लेसिंग है। इधर किस पूरी बिहार की माफियाओं से लड़ने वाला व्यक्ति, आप जानते हैं हर जगह उसके खिलाफ संघर्ष करने वाला, और पूर्णिया को मैंने हस्तिनापुर की गद्दी छोड़ दी और पूर्णिया को मैंने अपना माँ के रूप में चुन लिया और निर्णय लिया अकेले चलने का। आपको लगता है आज हॉट सीट क्यों है? ये देन है इस पूर्णिया के हर जाति धर्म मजहब के लोगों का। उसने कहा नो, नहीं भरा, कोई बीजेपी, कोई नरेंद्र मोदी, कोई नीतीश, कोई लालू, कोई दल नहीं, पप्पू, सिर्फ पप्पू, सिर्फ पप्पू। तीन दिन कैंप कर रहे थे, बड़ा बवाल हुआ, पूरा देश देखा, क्या मामला? आप खुद देखिए ना, आप उन्हीं को देखिए ना, यहाँ क्या कर रहे थे। 50-60 एमएलए थे ना, 9 एमएलसी थे ना, सारी जगह, 8 जगह, उसके बाद बाय रोड कहाँ कहाँ नहीं गए। तो पहले भी ना उनके पिताजी कैंप किए थे, तो 53,000 वोट आया था, 57,000, एक बार आया 20,000, एक बार 28,000, एक बार महाराजा कैंप किए, एक बार राजा कैंप किए, और अपने कोई बहुत अहंकार में रहते हैं। इनको लगता है जो मैं कह दूँ, मूर्ख है जनता, सभी लोगों को जनता मूर्ख समझ, नो रिलीजन, नो हिंदू मुसलमान, सर क्या राजपूत, क्या ब्राह्मण, क्या भूमिहार, क्या गंगोत्री, क्या कुशवाहा, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, क्या सिख, सर सब, एवरी वन पप्पू। आपने कहा अभी कुछ देर पहले कि पूर्णिया जो है महाभारत, महाभारत की स्क्रिप्ट किसी ने आके लिखा, पटना में लिखा, मेरे कांग्रेस से विलय के बाद लिखा, पहले हम बहुत अच्छे थे, और उस महाभारत के स्क्रिप्ट को महाभारत के रूप में पूर्णिया में आकर के उसकी कथा 4 जून के बाद पूर्णिया की जनता एक इतिहास के रूप में लिखेगी, वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। बहुत अरसे के बाद बिहार ने और देश के लोगों ने एक बेटा को जन्म दिया है राजनीति में, और वो बेटा एक नए इतिहास को लिखेगा। आपने सुना महाभारत का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि महाभारत की कहानी शुरू हो गई है, लेकिन अहंकार का अंत होगा, 4 जून का इंतजार करिएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पूर्णिया को नहीं छोड़ सकता, ये मेरे लिए माँ जैसी है।